लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक. स्वागत है आप सभी का. नमस्ते. लेट्स कंटिन्यू. लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आज हमको बच्चे उसके जो दो और इलास्टिसिटीज है, इनकम और क्रॉस प्राइस, इसको पढ़ना है. ठीक है, चलिए बच्चों आ जाता हूँ मैं जल्दी से. सबसे पहले एक बार ये इलास्टिसिटी का चार्ट देख लेते हैं कि अपन रिविजन. हमने देखा था कि अगर मुझे इलास्टिसिटी को पढ़ना है तो इलास्टिसिटी में बेसिकली हमको तीन टाइप्स पढ़ना है. पहले मुझे अपना प्राइस इलास्टिसिटी, बाद में क्या पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी, और बाद में क्या पढ़ना है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी अपन ने खत्म कर दिया, अब पढ़ना इनकम एंड देन क्रॉस प्राइस. ये कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू प्राइस इलास्टिसिटी. लेट्स सी. अब बच्चों इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलता है? कोई भी इलास्टिसिटी रहे, फॉर्मूला क्या रहता है इलास्टिसिटी का? तो इनकम इलास्टिसिटी अगर मैं बोलूँ राइट, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. सिर्फ अभी क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड नहीं यूज़ करना है, अब आपने सिर्फ डिमांड बोलना है. क्वांटिटी डिमांडेड ये वर्ड यूजुअली प्राइस के साथ ही कन्वेंशनली यूज़ करते हैं, तो बस वही आपको याद रखना है. अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट रहता है. यहाँ पर डिटर्मिनेंट इनकम है तो इनकम राइट, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना. यहाँ बच्चों जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में डिग्रीज थे अलग अलग, उतने डिग्रीज आपको इनकम पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे. उसका सिंपल सा रीज़न कि इनकम इलास्टिसिटी या इनकम डिमांड आपकी इनकम को उतनी सेंसिटिव नहीं है जितनी प्राइस को है. सो मैंने आपसे कहा था कि प्राइस में से हमने सिर्फ प्राइस क्यों लिया? प्राइस मतलब कौन सा? PRICE वाला. और उसमें से हमने सिर्फ प्राइस लिया, उसमें से हमने सिर्फ प्राइस क्यों लिया था? क्योंकि सारे डिटर्मिनेंट्स में से जो प्राइस है वो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इन्फ्लुएंशियल डिटर्मिनेंट है. इसलिए लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू प्राइस है. तो बाकी के जो फैक्टर्स बच गए, राइस, वो भी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी डिमांड पे इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, बट उतना नहीं जितना प्राइस करता है. इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी में हम बहुत सारे डिग्रीज भी पढ़ते हैं. परफेक्टली इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी, इतने सारे. उतना आपको इनकम में देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि इनकम अफेक्ट करता है डिमांड को, वो उतना नहीं जितना प्राइस करता है. सो हमारी डिमांड इनकम को उतनी सेंसिटिव नहीं है जितनी प्राइस को है, एंड हेंस इनकम इलास्टिसिटी पढ़ते वक्त जाना अब हमको उतने डिग्रीज नहीं दिखने वाले. तो इनकम इलास्टिसिटी में हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव है रिलेशन, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव मतलब क्या? कि आपने देखा था कि जब भी इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है फॉर नॉर्मल गुड्स. फॉर क्या? नॉर्मल गुड्स. बट स्पेशल केस था जो हमने देखा है ऑलरेडी, जब मैंने आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था तभी मैंने आपको पढ़ा था ये. इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ये स्पेशल केस है. उस केस में क्या रहता है कि इनकम जब बढ़ती है तो भी इन गुड्स की डिमांड कम होती है. राइट, इन्फीरियर गुड्स मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. इन्फीरियर गुड्स मतलब क्या? वो गुड्स जिनको आप तुच्छ मानते हो. कम ऑन, डजंट सूट मी, यू नो, सो नो, इट डजंट सूट मी, मेरा इनकम बढ़ गया, ऐसा वाला. सो इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड्स मतलब क्या? वो गुड्स जिनको आप तुच्छ मानते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल देता डालडा ऑयल का. मान लेते डालडा ऑयल, पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे घर को यहाँ तक नहीं था, तब मैं 5 लीटर डालडा ऑयल परचेस करता था राइट, इन अ मंथ. अब मेरा इनकम बढ़ गया, तो कायदे से इनकम बढ़ गया तो मैं 5 लीटर जो ऑयल खरीदता था, मान लीजिए 5.5-6 लीटर तो होना ही चाहिए अभी, लेकिन अब मैं तो 1 लीटर भी डालडा ऑयल नहीं खरीदता. तो पहले जब मैं गरीब था तब 5 लीटर खरीदता था, अब इनकम बढ़ गया तो मैं 1 भी लीटर नहीं खरीदता डालडा ऑयल, क्योंकि अब मैं खरीदता हूँ सफोला रिफाइंड ऑयल खरीदता हूँ मैं. ये सुनो, तो एक्चुअली इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ना चाहिए. कायदे से इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं रहता. इन्फीरियर गुड्स वो रहते हैं जो हम हमारे इनकम कम होने की वजह से यूज़ करते रहते हैं. जैसे इनकम बढ़ जाता है हम इनको कम्प्लीटली छोड़ देते हैं, यूज़ ही नहीं करते. एंड हेंस व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दिस इन्फीरियर गुड्स शैल डिक्रीज. बट वो छोड़ दिया जाए तो जो नॉर्मल गुड्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े, घड़ी, मोबाइल फोन, राइट, एनीथिंग, इनका यूजुअली रिलेशनशिप कैसा रहता है इनकम के साथ? कि इनकम बढ़ता है तो इनका डिमांड भी बढ़ता है. आप ज़्यादा कपड़े खरीदोगे, इनकम बढ़ता है तो आप बाहर खाना ज़्यादा खाओगे, इनकम बढ़ता है तो आप मूवीज ज़्यादा देखोगे, इनकम आप बढ़ता है आप शॉपिंग ज़्यादा करोगे. सो यूजुअली जितने भी नॉर्मल गुड्स है उस केस में क्या होता है कि इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है. ऐसे गुड्स हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स. लेकिन नॉर्मल गुड्स में भी फिर हमने देखा था कि दो हो सकते हैं. एक कि अगर नेसेसिटीज़ है तो डिमांड बढ़ता है, नेसेसिटीज़ में डिमांड बढ़ता है, बट क्या बोलेंगे इसको? लेस दैन प्रोपोर्शनेट. क्या बोलेंगे इसको? लेस दैन प्रोपोर्शनेट. और अगर मान लेते लग्जरी है, कमन क्या है? लग्जरी. तो लग्जरी केस में हम क्या बोलेंगे? मोर दैन प्रोपोर्शनेट. क्या बोलेंगे? मोर दैन प्रोपोर्शनेट. सो लग्जरी के केस में मोर देन प्रोपोर्शनल डिमांड बढ़ता है, जबकि नेसेसिटीज के केस में क्या है? लेस देन प्रोपोर्शनल बढ़ेगा. अब नेसेसिटीज के केस में लेस देन प्रोपोर्शनल बढ़ेगा मतलब क्या? जैसे हमने देखा था कि आपका डिमांड डबल हो जाता है तो नेसेसिटीज आप डबल खाने लग जाते, ऐसे नहीं है. मैंने एग्जांपल दिया था आपको याद है अंबानी का? जी हाँ. तो मुकेश अंबानी मान लीजिए पहले
इतने अमीर नहीं थे तो 3 चपाती खाते थे लंच में, अब इतने अमीर हो गए तो कम से कम 1000 चपाती खाते होंगे लंच में, ऐसा नहीं होता। चपाती एक नेसेसिटी है, वीट आपका एक नेसेसिटीज में आता है, एसेंशियल गुड्स में आता है, राइट। तो अभी उनका क्या रहता है कि जब डिमांड बढ़ता है तो हो सकता है कि पहले 3 चपाती खा रहे थे, अभी 3.5 3.5 चपाती खाएंगे, पेट भर कर खाएंगे बस। वो इनकम बड़ा अच्छा तो नेसेसिटी ज़्यादा लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना पानी पीते थे उतना पानी पियेंगे, जितना खाना खाते थे उतना खाना खाएंगे, इसमें एडवाड़ी। सो नेसेसिटी के केस में क्या होता है, आपका इनकम बढ़ता है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है, पर उतनी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटीज थे, ये ऑलरेडी हमारे लाइफ में होती है, तो इनकम बढ़ने के बाद इनको और एक्स्ट्रा खरीदने का उतना कोई प्रोपेंसिटी नहीं रहता। लेकिन लग्जरी हमारे लाइफ में हमने सिर्फ देखी, ड्रीम की हुई रहती है, इसका हमारे लाइफ में एक वैक्यूम रहता है। वैक्यूम मतलब क्या, हमारे लाइफ में एक जगह रहती है यार ये लग्जरी है, जैसे BMW होना चाहिए यार, होना चाहिए। एक बार भाई मुझे जाना है, एक बड़े शिप पे जाना है, 3-4 दिन वहाँ पे रहना है शिप पे, लग्जरी लग्जरी टूर्स पे जाना है। अब ये लग्जरी हम सब ने सोचा जरूर रहता है, बट क्योंकि वो बहुत कॉस्टली रहती है इसलिए यूजुअली हमने उसको कंज्यूम कभी नहीं किया रहता। तो जैसे इनकम बढ़ता है इसका हमारे दिल में एक वैक्यूम रहता है, हमारे लाइफ में एक वैक्यूम रहता है। हमने चाहते थे ये हमेशा रहे हमेशा रहे हमेशा रहे, और एक ही चीज़ रोक रही थी हमको इधर तक जाने से, वो थी इनकम। तो जैसे इनकम आती है ना लोग इधर दौड़ते हैं। तो यहाँ पे मोर देन प्रोपोर्शनल डिफरेंस मिलता है, मतलब क्या कि इनकम आपका डबल हो गया बट लग्जरी का कंजम्पशन आपका डबल ट्रिपल चौपल हो जाएगा, क्योंकि तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया। अभी उड़ा 5-star होटल में आप पहले मान लीजिए साल में एक बार खाना खाते थे, अभी अमीर हो गए, अब 5-star होटल में एक बार का दो नहीं डबल नहीं ट्रिपल चौपल 10-10 बार खाना खाने लग गए, क्यों? अभी इनकम बढ़ गया। सो लग्जरी का क्या रहता है, हमेशा हमारे इसमें वैक्यूम रहता है, इसलिए जैसे इनकम बढ़ता है वो उसका मोर देन प्रोपोर्शनेट शेयर यहाँ जाता है लग्जरी के केस में, यहाँ पे खर्च होता है, क्योंकि इनका ही ज़्यादा रिलेशन रहता है इनकम के साथ। जबकि नेसेसिटी का ऐसा नहीं है, जब इनकम नहीं थी तभी भी नेसेसिटीज हमारे ज़िंदगी में थे, जब इनकम नहीं था पैसा नहीं था तभी भी खाना तो खाते ही थे। तो जब इनकम आता है तो उसका बहुत कम प्रोपोर्शन यहाँ पे चला जाता है, कि ये तो हमारे लाइफ में ऑलरेडी है। सो हमेशा रखना इनकम इलास्टिसिटी इस को हम कैसे पढ़ते, कि वेदर इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इनकम बढ़ा तो तुम्हारा डिमांड बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? अगर इनकम बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है पॉजिटिव, इनकम कम डिमांड भी कम पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम हो रहा है, तो उस हम कहेंगे कि दिस इज केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में भी आई कैन हैव व्हाट, कम ऑन, नेसेसिटीज एंड आई कैन हैव व्हाट, लग्जरी गुड्स। नेसेसिटीज के केस में क्या है कि इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है लेकिन लेस देन प्रोपोर्शन, और लग्जरी केस में इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है बट मोर देन प्रोपोर्शनेट। इनकम डबल हो गया तो ऐसा नहीं कि आप 5-star होटल में एक के बदले अभी 2 ही बार खाना खाओगे, आप 3 बार 4 बार 5 बार खा सकते हो, क्योंकि इनकम ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे मोर देन प्रोपोर्शन होता है। ये आपको बस याद रखना है इनकम इलास्टिसिटी के केस में। और भी बच्चों, अगर मैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूँ तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। वंस अगेन, क्या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ये एक्स और वाई ये दो अलग कमोडिटीज है, ये दिखाने के लिए हम ये एक्स और वाई दिखाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहाँ पर एक्स और वाई नहीं बोलना पड़ता क्योंकि वो दोनों एक ही कमोडिटी के हैं। यहाँ पे आपको दिखाना है कि प्राइस किसी और कमोडिटी की चेंज हो रही है और हम उसका इंपैक्ट मेजर कर रहे हैं ऑन सम अनदर कमोडिटी, इसलिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। नाउ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट इट कैन ऑल्सो बी जीरो। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था हमने, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में, बोलो सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में, बोलो सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन रहता है। ये सब्स्टिट्यूट की मतलब अपने दुश्मन की जब प्राइस बढ़ जाती है तो कस्टमर उसको छोड़ेंगे और अपने पास आएंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड़ की प्राइस बढ़ती है तो अपने कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई लोग उसको छोड़ देंगे और अपनी कमोडिटी को अपनाएंगे। सो सब्स्टिट्यूट की जब प्राइस बढ़ती है तो अगर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट से मान लो और वाई ने प्राइस बढ़ा दिया तो लोग वाई को छोड़ देंगे और एक्स ले लेंगे, इसलिए एक्स का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन वही अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, दोस्त से एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब से फॉर एग्जाम्पल एक्स पेन है वाई रिफिल है। अब वाई मान लो कम हो गया राइट, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए आप और भी ले सकते हो, से मिल्क एंड शुगर, एक्स मिल्क है वाई शुगर है। मान लेते हैं शुगर का प्राइस गिर गया, शुगर का प्राइस गिर गया तो लोग अभी शुगर ज़्यादा खरीद पाएंगे,
और शुगर और मिल्क दोनों साथ में बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज बनाते हैं। इसलिए अगर शुगर का प्राइस गिर गया तो शुगर का तो डिमांड बढ़ने ही वाला है, वो छोड़ दो, हम वो नहीं देख रहे, हमको एक्स का देखना है, एक्स हमारी कमोडिटी है, एक्स क्या मिल्क। शुगर की प्राइस गिर गई तो शुगर तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और वो शुगर ज़्यादा खरीदा है तो उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है मिल्क, मिल्क भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो अगर हमारे दोस्त की प्राइस गिर गई तो उसकी डिमांड तो बढ़ती है और उसके साथ साथ हमारी भी डिमांड बढ़ती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रहता है। बच्चों यहाँ प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं तो साइकोलॉजी कैसी आयरनी, देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है। हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट है यार, ये अपना दोस्त है तो यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। और बच्चों सब भाव भावुक नहीं बन जाने का, इमोशनल नहीं बनने का एग्जाम में ऐसा, सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट मतलब से अपना दोस्त है, यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन रहेगा सर, दोस्तों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। अरे नॉनसेंस बच्चों, यहाँ पे मैथ्स की बात करेंगे, राइट, चेक करना यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है मतलब अगर वाई का प्राइस गिर जाता है तो एक्स का डिमांड बढ़ता है, ये दोस्त है ना दोनों, तो वाई का प्राइस गिरता है तो वाई का डिमांड भी बढ़ता है और इसलिए एक्स का भी डिमांड बढ़ता है, दोनों दोस्त, इसलिए दो एक बड़ा आ गया तो दूसरे को भी साथ लेकर जाएगा वो। वाई का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है और इसलिए अपनी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। तो वाई की प्राइस में और अपनी डिमांड में, कॉम्प्लीमेंट की प्राइस में और अपनी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। और सब्सिट्यूट मतलब लोग क्या सोचते हैं, सब्सिट्यूट मतलब सर तो दुश्मन है सर, दुश्मन नेगेटिव रहेगा सर, अरे नॉनसेंस, ऐसा इमोशन प्लीज बीच में मत लाइए बच्चों। सब्सिट्यूट के केस में याद रखना, सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड गिरती है क्योंकि लोग हमें अपनाएंगे, इसलिए सब्सिट्यूट की प्राइस में पॉजिटिव और दोस्त के साथ नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट के साथ नेगेटिव। तो ऐसी गलती कभी कभी बच्चे कर देते हैं जो पढ़कर नहीं जाते एग्जाम में, ऐसे सोचते कॉम्प्लीमेंट मतलब तो दोस्त रहता है पॉजिटिव रहेगा, अरे वो पॉजिटिव का और मैथ्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप का मीनिंग अलग है। मैथ्स में पॉजिटिव रिलेशन मतलब क्या, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हो तो उसको पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव वाइब्स एंड नो नेगेटिव वाइब्स, नॉनसेंस, उसका कोई लेना देना नहीं है विद पॉजिटिव रिलेशन इन मैथ्स। बट एक जो स्पेशल केस आता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का, वो है जीरो का, जहाँ पे होता क्या कि जब एक्स और वाई अनरिलेटेड गुड्स है, बोलो क्या, अनरिलेटेड गुड्स, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जीरो होगी। तो कैसे चेक करो, सर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि आज मान लेते कंक्रीट की डिमांड, कंक्रीट मतलब जो सीमेंट यूज होता है रोड में, मान लेते आज कंक्रीट की प्राइस 20% से गिर गई, आज कंक्रीट की प्राइस 20% से गिर गई तो बोलो पिज्ज़ा का डिमांड कितने से बढ़ेगा। क्या कहा मैंने, आज कंक्रीट की प्राइस 20% से गिर गई तो बताइए पिज़्ज़ा का डिमांड कितने से बढ़ेगा, कितने से चेंज होगा। आप बोलोगे सर डिमांड चेंज क्यों होगा, व्हाई विल देयर बी चेंज इन डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा, कंक्रीट का काई लेना देना विद पिज़्ज़ा, क्या लेना देना कंक्रीट का, कोई लेना देना नहीं सर पिज़्ज़ा के साथ। इसलिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कंक्रीट, से कंक्रीट का प्राइस 20% से गिर गया, पिज़्ज़ा का डिमांड कितने से चेंज होगा, पिज़्ज़ा का डिमांड जीरो से चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, जितना था उतना रहेगा, दोनों अनरिलेटेड गुड्स है। जीरो अपॉन एनीथिंग, मैंने कहा था ना आपको लास्ट लेक्चर में, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, सो अनरिलेटेड गुड्स के केस में ये जीरो आता है। सो वंस अगेन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव एक जीरो का केस। अब पॉजिटिव में बच्चों एक और आप याद ध्यान से रखेंगे, एक स्पेशल केस आता है पॉजिटिव में भी, अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट से, बोलो क्या, सिर्फ एक स्पेशल केस याद रखना एग्जाम में आता है, तो जितने भी एग्जाम में आने वाली चीज़ें मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ, सिर्फ ध्यान देते जाएंगे। अगर सब्सटीट्यूट के केस में याद रखना, अगर दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स मतलब क्या बच्चों, दोनों डिट्टो है डिट्टो, दोनों में 19-20 का भी फर्क नहीं है, दोनों 20 तो 20 ही है, डिट्टो सब्सटीट्यूट्स, अगर दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है तो इसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव तो रहती है, लेकिन वो पॉजिटिव में भी पॉजिटिव इन्फिनिटी रहती है, इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट मतलब क्या कि थोड़ा सा क्या वाई का प्राइस बढ़ गया ऑलमोस्ट जीरो से थोड़ा सा क्या प्राइस का वाई का प्राइस बढ़ गया, एक्स का डिमांड 20% से बढ़ गया, एक्स का डिमांड मान लो 20% से बढ़ गया, जब वाई का प्राइस कितने से बढ़ गया, सर वाई का प्राइस ऑलमोस्ट 0% से बढ़ा, ऑलमोस्ट जीरो, इट्स नेवर जीरो बट इट्स ऑलमोस्ट नियर टू जीरो से, वाई का प्राइस 0.1% से बढ़ा, मतलब इस लोगों ने वाई छोड़ दिया। क्यों, अरे क्योंकि जब एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल है सेम वाई के जैसा ही, मतलब बच्चों ऐसा मान लीजिए आप एकदम सिंपल, से फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको एक फ़ोन लेना है, आपको एक फ़ोन लेना है से सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 आपको लेना है, फ्लिपकार्ट के ऊपर मान लेते वो है से 66,000 का, ओके, और से अमेजोन पे वो है 66,050 रुपीज़ का, 50 रुपये एक्स्ट्रा अमेजोन पे, सेम फ़ोन है एकदम, वहाँ परफेक्ट सब्सटीट्यूट सेम डिट्टो, आप मुझे बोलो आप कहाँ से लेंगे, फ्लिपकार्ट से। आप बोलोगे यार सर क्या 50 रुपये के लिए सोचना, 66,000 का फोन ले रहे हो, 50 रुपये के लिए सोच लो, और मैं क्या बोलूँगा,
अरे मेरे भाई मैं नहीं सोचता मान लो 50 रुपये के लिए, लेकिन जब सेम चीज़ मिल रही है 50 रुपये कम में, तो किसने सिखाया 50 रुपये भी वेस्ट करना? बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए पैसे बच रहे, बिना किसी लॉस के तो बचाओ ना भाई। दो वेबसाइट पे, एक है 66,000, दूसरा 66,050, तो लो ना 66,000 वाला। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि ऑलमोस्ट 0% से, अभी 50 रुपये का डिस्काउंट है एम फ्लिपकार्ट पे, 66,000 में 50% मतलब कितना होता है निकाल सकते हो क्या? कैलकुलेटर पे अगर हम करें 50 रुपीज़ डिवाइड बाय 66,000 इंटू 100, 0.075%, 0.75 भी नहीं, 0.075% डिस्काउंट है, इतना कम मतलब ऑलमोस्ट जीरो आके नहीं। तो ऑलमोस्ट 0% से प्राइस क्या बढ़ गई, लोगों ने वहाँ से लिया ही नहीं। सब वाई की प्राइस ऑलमोस्ट 0% से क्या बढ़ गई, लोगों ने वाई को पूरा छोड़ दिया। एक्स का डिमांड 20% से बढ़ गया, 20/0 कमा, 20/0 आंसर क्या आएगा, इन्फाइनाइट। सो याद रखना कि सब्सिट्यूट के केस में पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर उसमें परफेक्ट सब्सिट्यूट्स रहे तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन पॉजिटिव इन्फाइनाइट, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। फैन ऑफ एवरीवन, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के भी अलग अलग टाइप्स को, इनकम इलास्टिसिटी हमने पढ़ लिया, इनकम इलास्टिसिटी के अलग अलग डिग्रीज हमने देखे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में कौन से कौन से अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो फॉर अनलोडेड गुड्स, एंड इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सिट्यूट्स इट वुड बी इन्फिनिटी, दैट टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। फैन ऑफ एवरीवन, यस सर, चलिए ये पढ़ लिया तो बच्चों सब लास्ट में आइए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के इस पार्ट को पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखिए दिया डेफिनेशन, इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या है, दिस मेजर्स व्हाट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम। फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, या इनफैक्ट आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिखो, क्वांटिटी डिमांडेड मत बोलना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम। वही क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। नीचे सर डी क्यू और ये डी क्यू बाई क्यू और डी वाई बाई वाई ये क्या है बच्चों, ये डेरिवेटिव का तरीका है लिखने का, मैथ्स में डेरिवेटिव जब निकालते तो ऐसा लिखते, हमको ये देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ इनकम इलास्टिसिटी में याद रखना, अगर लग्जरी गुड्स है तो इट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट, अगर नेसेसिटीज है तो इट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट, और अगर बच्चों कंफर्ट गुड्स है इट इज प्रोपोर्शनेट। कंफर्ट गुड्स में क्या है, 10% से इनकम बढ़ा तो 10% से उनका डिमांड भी बढ़ता है, 20% से इनकम बढ़ा तो 20% से उनका डिमांड भी बढ़ता है, केस ऑफ कंफर्ट गुड्स। लग्जरी रहेगा तो मोर देन वन, 10% से डिमांड क्या बढ़ गया, आपका डिमांड डबल क्या हो गया, 5 स्टार में आप डबल बार नहीं, 555 मतलब एक बार जाते थे अभी 2 बार नहीं 10 बार जा रहे हो, कितना टाइम्स बढ़ गया आपका डिमांड अगर लग्जरी गुड्स है तो, इन दैट इन दोस केस व्हाट इज इट, इट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट। फॉर कंफर्ट गुड्स इट इज इक्वल टू वन, एंड फॉर नेसेसिटीज इट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट, मतलब ही लेस देन वन। जी सर, इनकम इलास्टिसिटी जीरो का भी रहता है क्या, हाँ तब जब वो डिमांड फॉर दोज गुड्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, तो वो गुड्स जिनका कोई लेना देना इनकम के साथ नहीं है, उस केस में इनकम बढ़े घटे इनका डिमांड चेंज ही नहीं होता, राइट। लेकिन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में क्लियरली कहा जा सकता है कि जीरो कब रहता है, इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। तो अनरिलेटेड गुड्स के केस में जैसे पिज्ज़ा और कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की प्राइस बढ़ गई तो पिज़्ज़ा का डिमांड कितने से कम होगा, जीरो से कम होगा सर, क्योंकि वो दोनों अनरिलेटेड गुड्स है। ओके, उसके बाद में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव रहती है कभी, इनकम इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव रहती है तो पॉजिटिव कब रहती है हमने पढ़ा, जीरो कब रहती है हमने पढ़ा, नेगेटिव कब रहती है इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव कब रहती है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब रहती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसमें भी चार्ट में लिख कर दिया है मैंने, सब कुछ है चार्ट में, और देखो बोल्ड और अंडरलाइन करके दिया, मतलब एग्जाम में जनाब इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, प्लीज़ नोट कीजिएगा इस चीज़ को, और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए उनके साथ भी, क्या कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में तो पॉजिटिव रहता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन भाई ये भी समझ ले इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ लिया इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। फ्रेंड ऑफ एवरीवन, यस नो, हाँ सर, चलिए अब ये पढ़ के भी हो गया बच्चों, तो एक लास्ट वाला एक से पार्ट है जो हमको पढ़ना है बच्चों। हमने देखा कि कुछ गुड्स रहते हैं जैसे प्राइस इलास्टिसिटी याद आ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि कुछ गुड्स बहुत ही प्राइस इलास्टिक रहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, और कुछ गुड्स रिलेटिवली इनलास्टिक रहते हैं। तो कुछ गुड्स प्राइस को इलास्टिक क्यों रहता है और कुछ गुड्स इनलास्टिक क्यों रहते हैं, क्यों कुछ गुड्स का डिमांड प्राइस बदलने से चेंज नहीं होता और क्यों कुछ गुड्स का डिमांड प्राइस थोड़ी बदल जाए बहुत चेंज होता है, ऐसा क्यों, क्यों कुछ गुड्स में इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, दे
द रिस्पॉन्ड, एंड क्यों कुछ चीज़ें जिनका डिमांड बदलता ही नहीं प्राइस चाहे बदले, ऐसा क्यों होता है? तो उसके बहुत सारे रीजन्स है। तो सबसे पहला डिपेंड करता है कि वो नेसेसिटी है क्या। जैसे मैंने कहा था कि अगर नेसेसिटी है तो प्राइस चाहे बढ़े प्राइस चाहे घटे हमारा डिमांड उतना ही रहेगा, इससे उसको हम कहेंगे कि वो इनइलास्टिक रहता है। अगर नेसेसिटी के केस में प्राइस इनइलास्टिक रहता है, लेकिन अगर लग्जरी है तो उसका डिमांड प्राइस को इलास्टिक रहता है। तो एकदम ही चार्ट फॉर्मेट में मैंने सारे के सारे केसेस यहाँ पे कवर किए हुए, एग्जाम के दिन बस आपको ये देख के जाना है फेल खत्म। अब मॉडल आप ओपन करके देखना, कम से कम चार पेजेस इसके ऊपर, 3 से 4 पेजेस यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में धन धना धन धन पढ़ना है। और एग्जाम में ऐसा अप्रोच रखिए सारे चैप्टर्स को इस तरीके से समराइज तरीके से पढ़ते आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। बच्चों अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है ही नहीं तो प्राइस बढ़ेगी या प्राइस घटेगी, तुम्हारा डिमांड इनइलास्टिक रहेगा। तो गुड्स हैविंग नो सब्सटीट्यूट उनका डिमांड करता है इनइलास्टिक, क्योंकि कोई है ही नहीं सब्सटीट्यूट, प्राइस बढ़ भी गए तो भी झकमार के वैसे लेना है। बट अगर सब्सटीट्यूट्स है तो डिमांड इलास्टिक होता है। फिर वैरायटी ऑफ यूजेस। बच्चों अगर प्राइस कम हो गई और आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटी है उसकी। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिखा था, याद है, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर, तो वो चीज़ें जिनके बहुत सारे यूजेस है वो यूजुअली प्राइस को इलास्टिक रहते हैं। जैसे प्राइस कम होती है लोग वो चीज़ बहुत खरीद लेते हैं, क्यों? उसके बहुत यूजेस है। नहीं बच्चों कुछ मैनी यूजेस है तो इलास्टिक डिमांड, बट अगर मान लो सिंगल यूज़ है बच्चों या लिमिटेड यूज़ है तो उसका प्राइस कम भी हुआ तो हम ज़्यादा क्यों लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मान लीजिए मैं चौक से पढ़ाता हूँ, मान लेते मेरे पास ये स्मार्ट डिस्प्ले नहीं है, ये स्मार्ट टीवी मेरे पास नहीं है इतना, राइट, और ये स्मार्ट डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं, मान लीजिए मैं चौक पर पढ़ाता चौक, तो अब मान लीजिए चौक सस्ता हो गया तो मैं क्या जानबूझ के ज़्यादा लिखता, चौक महंगा हो गया तो मैं एकदम ऐसा सोच सोच के लिखूंगा, अरे चौक है यार जितना पढ़ाना है उतना तो लिखना ही है। तो ऐसी चीज़ें जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है इनकी प्राइस बढ़े या इनकी प्राइस घटे, इनकी डिमांड उतनी रहती है, कि प्राइस कम भी हुई तो भी हम उसको और कहीं यूज़ कर ही नहीं सकते। पर ऐसी कुछ चीज़ें जिनका बहुत मल्टीपल यूजर्स है, जिनके बहुत सारे यूजर्स है, मल्टीपल यूजर्स है, ऐसी चीज़ों का जब डिमांड कम हो जाता है सो वी गेट अ मोटिवेशन टू बाय दैट मोर बिकॉज वी कैन सी वराइटी ऑफ यूजर्स ऑफ इट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई तो हम तो सब जगह ऐसा सोचते हैं कि सब इलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे, इसलिए जब बहुत यूजर्स रहते हैं और अगर तब उस टाइम पे बहुत यूजर्स रहते हैं तो आप प्राइस इलास्टिक होते हो, जब लिमिटेड यूजर्स रहते हैं तो यू आर नॉट दैट इलास्टिक टू प्राइस, प्राइस कम हुई या प्राइस ज़्यादा हुई आप ज़्यादा खरीद के करोगे क्या, तो उसके वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, ओके। वही अगर मान लीजिए पोस्टपोनमेंट पे दिखे, अगर मान लेते डिमांड ऐसी कि आप पोस्टपोन कर ही नहीं सकते तो आप इन इलास्टिक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गए मूवी देखने के लिए, आप गए मूवी देखने के लिए और सर कहा गया आप मूवी देखने के लिए, मान लीजिए आप गए, सॉरी मूवी नहीं, आप मान लीजिए क्रिकेट मैच को गए स्टेडियम पे, आप स्टेडियम में मैच चालू है और आपको बहुत प्यास लगी है, अब अगर आपको बहुत प्यास लगी वहाँ पे पानी की बॉटल है, उसने कहा कि भाई ये वैसे तो 20 रुपये की पानी की बॉटल रहती है और उसने कहा मैं 50 में दूंगा, वो बोल रहा है मैं 50 में ही दूंगा लेना है तो लो। अभी अगर आपको पानी की बॉटल 20 रुपये में खरीदनी है तो स्टेडियम से बाहर कहीं दूर सिटी में जाना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर लग जाते हैं वो स्टेडियम के लाइन वाइन में से बाहर पूरा जाने तक। तो आपने सोचा छोड़ो अभी हम हमारी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, मुझे लगी है प्यास। अब आपको लगी है प्यास, सामने वाला हाई प्राइस भी मांगेगा तो भी लोगे कि नहीं, कैसा बोलोगे नहीं अब मैं डिमांड नहीं करने वाला, बहुत प्राइस है छोड़ो मैं पानी नहीं पीऊंगा, प्यास लगी है पियेंगे। सो अगर आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, इज इट पॉसिबल टू पोस्टपोन? नो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू पोस्टपोन? अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते डिमांड को तो फिर आपकी डिमांड हम कहेंगे इनइलास्टिक है, क्योंकि प्राइस बढ़ भी गई तो भी आपको लेना ही पड़ेगा, पोस्टपोन नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो आपकी डिमांड इलास्टिक रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको शर्ट खरीदना था, आपने एक जगह शर्ट पूछा मॉल में तो जानबूझ के बोल रहा 5,000 रुपये, आपने बोला नहीं ठीक है ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को शर्ट इतना अर्जेंट है मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, जाऊँगा बाहर सिटी में जाऊँगा तो सिटी में जो लोकल शॉप से वहाँ से ले लूँगा तो 500-1,000 रुपये में अच्छा शर्ट आ जाएगा। तो अगर आप डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो तो आप इलास्टिक रहते हो, प्राइस कम तो आप लोगे, प्राइस ज़्यादा तो नहीं लोगे। वही अगर बच्चों अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते तो प्राइस बढ़े घटे आप तो उसको लेकर ही रहोगे, यस और नो, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी। अगर मान लेते कोई चीज़ ड्यूरेबल है, राइट, तो उसका डिमांड इलास्टिक नहीं इनइलास्टिक रहता है यूजुअली, राइट, और अगर पेरिशेबल है तो उसका डिमांड इलास्टिक रहता है। एक्चुअली बच्चों ड्यूरेबल है तो इनइलास्टिक रहे ना रहे ये क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ दो बच्चों, ये पॉइंट एकदम डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर गुड्स पेरिशेबल है ना तो उनका डिमांड कैसा था यूजुअली इलास्टिक, राइट। इलास्टिक मतलब क्या कि प्राइस थोड़ी भी कम हो गई ना लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, और प्राइस अगर थोड़ी बढ़ गई लोग नहीं खरीदते जो पेरिशेबल है। ये पॉइंट जो है बच्चों ये पॉइंट एक्चुअली थोड़ा सा डिबेटेबल रहता है, ये हर बार हर कमोडिटी में एप्लीकेबल रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। बट आपको एकेडमिक्स के एंगल से याद रखना है कि अगर पेरिशेबल गुड्स है
तो उनका डिमांड यूजुअली इलास्टिक रहता है, और अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो इनका डिमांड यूजुअली इनलास्टिक रहता है। ड्यूरेबल है चलते काफ़ी, इसलिए प्राइस थोड़ी बढ़ भी गई घट भी गई तो भी लोग उनकी डिमांड चेंज नहीं करते, वो ड्यूरेबल है। ओके, नेक्स्ट देखना पोजिशन ऑफ द कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। बच्चों अगर आप उस वो कमोडिटी आपके बजट का बहुत बड़ा प्रपोर्शन है तो आप इलास्टिक रहते हो, जब उसकी प्राइस गिरती है तभी आप लेते हो, उसकी प्राइस बढ़ती है आप नहीं लेते हो, या इनफैक्ट अगर उसकी प्राइस थोड़ी भी, यहाँ पे देखिए इलास्टिक मतलब क्या, क्योंकि उस कमोडिटी का आपके लाइफ में बहुत, आपके बजट में बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उस कमोडिटी का आपके बजट में बहुत बड़ा हिस्सा है, सब्सटेंशियल हिस्सा है, इसलिए आप सोचते हो आप प्राइस को बड़े इलास्टिक हो, सेंसिटिव हो। लेकिन मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपको चॉकलेट खरीदना था, चॉकलेट अठाने का है कि एक रुपये का है, कुछ तो आपको चॉकलेट पसंद है आप ले लेते हो, अब वो एक रुपये का चॉकलेट दो रुपये का भी हो गया तो भी ले लोगे, क्यों? क्योंकि उसका ओवरऑल प्रपोर्शन आपके बजट में बहुत कम है, तो अगर उसका ओवरऑल प्रपोर्शन आपके बजट में कम है वो महंगा भी हो जाए यू डोंट माइंड, क्यों? महंगा होने के बाद भी सस्ता ही लगता है, एक रुपये का चॉकलेट दो रुपये का हो गया, स्टिल सिंस द प्रपोर्शन ऑफ दैट चॉकलेट इन योर एंटायर बजट इज लेस यू डोंट माइंड यू स्टिल बाय इट, सो इफ द प्रपोर्शन इज लेस यू आर इन इलास्टिक, फेयर इनफ, और वही इफ द प्रपोर्शन इज हाई यू आर इलास्टिक, इलास्टिक मतलब कि यू आर प्राइस सेंसिटिव, आप जानते हो यार ये बहुत बड़ा पैसा मेरे 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 इनकम का बहुत बड़ा प्रपोर्शन यहाँ पे लगने वाला है, मैं सोच समझ के खर्चा करूँगा, तो जब बहुत बड़ा प्रपोर्शन रहता है इनकम का आपके तो यू आर इलास्टिक टू प्राइस। उसके बाद देखना टाइम पीरियड, मुझे यूजुअली शॉर्ट रन में हम इन इलास्टिक रहते हैं लेकिन लॉन्ग रन में हम इलास्टिक रहते हैं, से एग्जाम्पल लीजिए इसका, मुझे शॉर्ट रन में हम इलास्टिक रहते हैं, बच्चों फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी एग्जाम को 15 मिनट बाकी है, आपकी एग्जाम को मान लीजिए आधा घंटा बाकी है, 15 मिनट बाकी है, और आपको समझ में आया कि आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना भूल गए, अब आपको एक शॉप दिख रहा है जहाँ कैलकुलेटर मिल रहा है, कैलकुलेटर ऐसे मान लीजिए मिलता है 200 रुपये का 300 रुपये का, सामने वाला बोल रहा है कि भाई मैं 700 रुपये में कैसे दूंगा, अभी क्या आप, आपके पास टाइम है शॉर्ट रन में ना, आपका एग्जाम आधे घंटे में, क्या आप उधर वैसा बोलोगे भाई बहुत महंगा बोल रहा है तो मैं कहीं और जाके लूंगा, आमच्या घरी है ना, आमच्या घरच्या तिकडे 300 रुपयालाच भेटतं, मी तिकडनं घेईन, मग जा घे ना, जाके लो ना, अभी अपने घर जाओगे और आओगे आधे घंटे में पेपर है, तो शॉर्ट रन में यूजुअली हम इनइलास्टिक रहते हैं, जो प्राइस है वो प्राइस है भाई छोड़ दे, क्या करें टाइम नहीं हमारे पास, प्राइस बढ़ा तो भी लेते हैं प्राइस कम हुआ तो भी, इनइलास्टिक रहते हैं हम, प्राइस को सेंसिटिव नहीं रहते, इनइलास्टिक मतलब क्या, नॉट सेंसिटिव टू प्राइस, इलास्टिक मतलब क्या, सेंसिटिव टू प्राइस। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गर टाइम, अगर लॉन्गर टाइम है तो हम इलास्टिक रहते हैं, सोच समझ के लेंगे, जैसे बहुत टाइम है आराम से सोच समझ के जहाँ अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम को और 3-4 महीने बाकी और आपने एक जगह कैलसी देखा आपको अच्छा लगा, प्राइस पूछा ज़्यादा लगा, आपने बोला नहीं लेंगे फिर छोड़ दो, दूसरी जगह पूछा प्राइस कम लगा आपने ले लिया, सो वेन इन लॉन्ग रन यू हैव इनफ टाइम टू थिंक, यू आर यूजुअली सेंसिटिव टू प्राइस, बट इन लॉन्ग शॉर्ट रन प्राइस बढ़े घटे आप ले लोगे, इसलिए हम देखा ना कि कभी कभी प्राइस बढ़ती है तो भी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होती, जैसे स्टेडियम पे क्रिकेट के स्टेडियम पे महंगे मैच थे बड़ा पाओ फिर भी खाना पड़ता है, क्यों? पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये रीज़न है कि क्यों कभी कभी प्राइस बढ़ाने के बाद कुछ चीज़ों की डिमांड बदलती नहीं बट कुछ चीज़ों की बदलती है, कि कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है पोस्टपोन नहीं की जा सकती, कुछ चीज़ें पोस्टपोन की जा सकती है, कुछ चीज़ों के लिए टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी, तो प्राइस ज़्यादा तो ज़्यादा ले लेते लोग, सेंसिटिव नहीं रहते प्राइस को, छोड़ यार ले ले अभी, बट लॉन्ग रन में सेंसिटिव रहते हैं। उसके बाद देखना कंज्यूमर के हैबिट्स, बच्चों अगर आप हैबिचुअल हो, हैबिचुअल मतलब क्या, मान लीजिए आपकी ऐसी ऐसी हालत है, मुझे तो तेरी लत लग गई, अगर आपकी ऐसी हालत है ना मतलब ही आप प्राइस को इनसेंसिटिव हो, इसलिए तो देखना गवर्नमेंट हर साल क्यों अल्कोहल के ऊपर ड्यूटी बढ़ाता है, क्यों अल्कोहल के ऊपर लगने वाले टैक्सेस जो ड्यूटी है वो बढ़ती है, क्यों? क्योंकि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, जिनको शराब की लत लगी है, हर शराबी पहले जो रहते हैं वो रहते हैं लत नहीं लगाएंगे, सब टेस्ट नॉनसेंस, और टेस्ट क्या उसमें वो है ही चीज़ ऐसी जिसकी लत यूजुअल लग जाती है, अब लत लग गई गवर्नमेंट बस इसी के ऊपर तो बोलता है कि भाई लगाओ अभी टैक्स ऐसा लगाओ, क्योंकि ये लोग अपनी डिमांड को हैबिचुअल हो चुके हैं, तो अगर आपकी डिमांड हैबिचुअल है तो भाई आप प्राइस इनलास्टिक, प्राइस बढ़ी तो बढ़ी फिर भी आपको लेना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे तो तेरी लत लग गई, गेटिंग माई पॉइंट, यस नो। नेक्स्ट कंज्यूमर हैबिट्स, बाद में टाइट डिमांड, बच्चों अगर ऑटोनॉमस डिमांड है और टाइट डिमांड है समझना, अगर डिमांड टाइट है तो इनलास्टिक रहता है, टाइट डिमांड मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल और पेट्रोल कार, आपने पेट्रोल कार ले ली, अब पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या ऐसा बोलोगे पेट्रोल महंगा हो गया अब मैं कार बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा, मैं वो कार मेरे अभी बस गैरेज में डाल के ब्लॉक करने वाला हूं, अभी गई कार, अब मैं कार नहीं यूज़ करूंगा, अरे अभी अब कार ली ही है पेट्रोल महंगा भी हो गया तो भी उसमें पेट्रोल डालोगे, टाइट डिमांड है, टाइट मतलब क्या दोनों साथ में रहते हैं, कैसे दिखाया ना आपको, यस टाइट डिमांड, टाइड मतलब क्या, पेट्रोल लिया, देखो नीचे वाला हाथ जो है पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, क्या ये हुक, अब
पेट्रोल लिया ना, सॉरी पेट्रोल कार है, पेट्रोल कार ले लिया तो पेट्रोल को खींचेगा, पेट्रोल कार लिया है मतलब पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। तो पेट्रोल और पेट्रोल कार का टाइट डिमांड है, इसलिए पेट्रोल का डिमांड इनइलास्टिक है। प्राइस बढ़ी तो भी लेना पड़ेगा, प्राइस घटा तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने ले ली है पेट्रोल कार तो अभी डालो उसमें पेट्रोल। पर भाई अगर ऑटोनॉमस डिमांड है, ऑटोनॉमस डिमांड मतलब क्या? ऑटोनॉमस डिमांड मतलब से फॉर एग्जाम्पल मॉल में गए थे आपने, पहले देखा आपको वहाँ पे एक सिर्फ आइसक्रीम अच्छी लगी, आइसक्रीम पूछा कितने की, बोला 30 रुपये का, आपने ले ली। फिर मॉल में आगे गए, आपको एक टी शर्ट अच्छा लगा, टी शर्ट कितने का बोल रहा, 5,000 का, आपने बोला नहीं लेना। तो वहाँ पे डिमांड टाइट नहीं, ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब अपना अपना, आइसक्रीम की डिमांड अपनी अपनी, टी शर्ट की डिमांड अपनी अपनी। और जब ऐसे ऑटोनॉमस डिमांड रहते हैं तो इनकी इनकी दिजा प्राइस इलास्टिक, इनकी प्राइस बहुत बढ़ जाए तो हम सोचेंगे मतलब प्राइस को हम रिस्पॉन्ड करेंगे, विल बिकम सेंसिटिव टू प्राइस। प्राइस ज़्यादा है तो हम शायद नहीं लेंगे टी शर्ट, प्राइस ऐसे भी कम आइसक्रीम ले लेंगे। पर टाइट डिमांड में ऐसा नहीं है ना, टाइट डिमांड यूजुअली इनलास्टिक रहता है। अभी एक ले ही लिया है तो दूसरा लेना ही पड़ता है, टाइट डिमांड। अब पेट्रोल कार ले लिए तो पेट्रोल महंगा भी हो जाए, स्टिल यू हैव टू बाय दैट पेट्रोल बिकॉज इट्स ए टाइट डिमांड, एंड हेंस उसका डिमांड इनलास्टिक हो जाता है। इनलास्टिक मतलब क्या, मैंने बार बार बोला, इनलास्टिक मतलब ऐसा सोचने का, इर नॉट सेंसिटिव टू प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ा घटा हम प्राइस को इग्नोर कर देते हैं, ले लेते पेट्रोल। और बाद में है प्राइस रेंज, मतलब प्राइस रेंज मतलब क्या, गुड्स जो बहुत ही हाई प्राइस रेंज का, बहुत ही लो प्राइस रेंज के, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिए। गुड्स जो एकदम ही हाई प्राइस के या एकदम ही लो प्राइस के, इनका डिमांड इनलास्टिक रहता है। अब जिनको प्राइस बहुत हाई है, बहुत हाई, ऑलरेडी इतने महंगे कि और थोड़े महंगे हो जाए, तो क्या सोचना, जो इतना महंगा ले सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो BMW का सोच रहा है, वो BMW की प्राइस मान लीजिए और 10-15 हज़ार महंगी हो गई। अब जो ऑलरेडी BMW 35 लाख 50 लाख की ले रहा था, और 10-15-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपये महंगी हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी महंगा खरीदा था, महंगे में महंगा हो भी गया तो भी डिमांड बदलता नहीं। और वो चीज़ें जो बड़ी सस्ती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत सस्ती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैचबॉक्स। अब मैचबॉक्स बड़ा सस्ता है, 50 पैसे में आता है। अब मान लेते हैं मैचबॉक्स का कर प्राइस 1 रुपये हो गया, डबल हो गया, तो आप क्या अभी ऐसा बोलोगे, आज से मैचबॉक्स इतना महंगा हो गया, हे भगवान, हे अंतर्यामी, पहले आप भगवान के सामने ऐसा अगरबत्ती लगा देते मैचबॉक्स से, तो मैचबॉक्स यूज़ कर देते अगरबत्ती लगाने के लिए, अभी ऐसा बोलोगे भगवान को, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हो, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, आप में तो इतनी ताकत है कि आप तीनों लोगों को हिला के रख सकते हो, तो ये तो बस अगरबत्ती है, इतनी ताकत अगर आप में है तो आप खुद ही अगरबत्ती लगा लीजिए, मैचबॉक्स महंगी हो गई, ऐसा बोलोगे भगवान को। अरे मैचबॉक्स 50 पैसे की, 1 रुपये क्या, 1 रुपये की 2 रुपये क्या हो जाए, अरे वो ऑलरेडी इतनी चीप है, इतनी वेरी लो प्राइस है कि इसकी प्राइस बढ़ भी जाए तो भी लो है। एंड इसलिए जो एकदम ही हाई प्राइस रेंज को, एकदम ही लो प्राइस रेंज के रहते हैं, इनकी प्राइस, इनकी डिमांड नहीं बदलती। BMW ऑलरेडी हाई रेंज की है, वो और महंगी हो गई तो भी उसकी जितनी डिमांड है उतनी रहने वाली है। मैचबॉक्स वो ऑलरेडी सस्ती है, उसकी प्राइस बढ़ भी जाए ना तो भी वो इतने लो रेंज में आता है कि उसका डिमांड उतना ही रहेगा, मैचबॉक्स का डिमांड चेंज नहीं होता। लेकिन जो मिडिल रेंज के रहते हैं, ये प्राइस को सेंसिटिव रहते हैं, मिडिल रेंज, इनकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाए तो हम सोचते हैं कि बहुत कम पैसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं, इनकी प्राइस थोड़ी कम हो जाए तो हम ले लेते हैं, राइट, कि हम थोड़ा सा कंसिडरेबल पैसा यहाँ पे बचा सकते हैं। चाहे स्पेशली मिडिल रेंज जो रहता है, मिडिल रेंज की चीज़ों पे प्राइस इलास्टिक रहते हैं, हम प्राइस को सेंसिटिव रहते हैं, प्राइस बढ़ जाए तो हम सोचते हैं, प्राइस कम हो जाए तो हम ले लेते हैं। वैसे एकदम हाई प्राइस रेंज की जो चीज़ें रहती है, प्राइस बढ़ी क्या, प्राइस घटी क्या, ऑलरेडी महंगी है वो। जैसे BMW पे मान लीजिए किसी ने कहा कि 50,000 रुपीज़ ऑफ, फिर भी 35 लाख की वो 34,50,000 में आएगी, फिर भी महंगी है, लोग नहीं सोचते, उसकी डिमांड ना ज़्यादा बढ़ती है ना कम होती है, इसलिए ये लोग कभी डिस्काउंट ज़्यादा देते भी नहीं। लो प्राइस रेंज की चीज़, अब लो प्राइस रेंज चीज़ें ऑलरेडी इतनी सस्ती है, वो महंगी भी हो जाए क्या और वो सस्ती भी हो जाए क्या, उसकी डिमांड बदलती नहीं, तो इनकी डिमांड वेरी लो प्राइस रेंज एंड वेरी हाई प्राइस रेंज चीज़ों की डिमांड नहीं बदलती। मिडिल रेंज की जो चीज़ें रहती है बच्चों, ये प्राइस को इलास्टिक रहता है। तो इस तरीके से बच्चों, इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने कम्प्लीट किया इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। आई होप आपको, आप इस लेक्चर को एक बहुत बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। एंड ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स के साथ बच्चों, हमेशा आपका और हमारा मिलना होता रहेगा। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और बढ़िया से बातों के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, एंड अंटिल देन सी यू, बाय बाय।